और आपके क्षेत्र के गौरव उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत में अपनी कलम से सभी कलाकारों को लोहा मनवाने वाले आपके क्षेत्र के ही लाडले राइटर बड़े भैया सतीश श्यामरिया जी के चरणों में नमन एवं वंदन करता हूं। और एक उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी अपना परचम लहराने वाले हम सब के अग्रज दादा श्री शंकर रागिया जी उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में भी नमन एवं वंदन करता हूं। आज के सहयोगी कलाकारा के रूप में उन्नाव जनपद से पधारी आदरणीय कीर्ति अचल जी एवं अवधेश भैया, आपके पूरे मंडल को अपनी ओर से नमन एवं वंदन है, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो हमारे बड़े भाई केएस चैनल के रिपोर्टर बड़े भैया संजय भैया, आपके चरणों में नमन एवं वंदन है। और हम दोनों कलाकारों के बीच में तीसरे कलाकार की भूमिका निभा रहे पूर्वा से हमारे बड़े भाई जगत राज साउंड सर्विस, आपके माध्यम से बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक बार पुनः सभी के चरणों में नमन एवं वंदन करता हूं और आजीवन आशीर्वाद चाहता हूं। समिति के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोगों के चरणों में नमन एवं वंदन करता हूं। बहुत सुंदर दरबार सजाया गया है हमारे भीमा बाबा का, और बुलाया गया है हम दोनों कलाकारों को। क्या बात है, जय हो। यकीन मानिए जिस समय मुझे फोन किया गया, मैं यहाँ की जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। पहले भी जब तक मैं कीर्तन नहीं जानता था और जब जानता था तो 10 साल तक लगातार जहाँ पर दादा बैठे यहीं से मैंने कीर्तन सीखा। तो मेरे लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं, आजीवन ऋणी रहूंगा इस नवयुवक बाबा कमेटी का जो आपने दरे से लेकर जो है मंच तक पहुंचा दिया, इसके लिए धन्यवाद है आपको। जय हो। माता भगवती के पावन पवित्र चरणों में जय हो। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, पढ़ो, और कह रहा हूँ कि महामाई महामाई कि ए हो ब्रह्मवाणी वेदवाणी सुखदानियम, वाणी में विवेक का विकास भर दीजिए, तो धार कर सितार दास ही में पधारो आज, ज्योति को जगा मां प्रकाश भर दीजिए, तो भासे Yeah!
सुबह सुभर दीजिए, वंदना करूं तो वंदना हो लेखनी की चाल, माँ छंदन आनंदन रसराज भर दीजिए। और कहना हो माँ, माँ आखिर क्यों? क्योंकि कोई भी कलाकार हो, हाँ, जब वंदना की बात आती है तो सीधा पहुंच जाता है माता भगवती के दरबार में। हाँ। मेरा सवाल है माँ, माँ ना कवि ना कविता कार कीर्तन कार कोई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ माँ, माँ ना कवि ना कविता कार कीर्तन कार कोई नहीं, कलाकारों की जैसी मुझ में कलाकारी है। ना कवि हूँ, हाँ, ना कविताकार हूँ, हाँ, और ना कलाकारों की जैसी मुझ में कलाकारी है। तो नहीं शब्द सार ना सक्षम शब्द को होश कोई, ना व्याख्या व्याख्यान व्यक्त करने की अदाकारी है। और हूं क्या मैं, क्या कि स्वर सरगम छंद अलंकारों की जानकारी है। ओ मैं हूँ अमर नादान नाम शंकर मेरा, तो कर दे हे कृपाली कृपा बस अर्जी हमारी है। बात है ऐ माँ, माँ आपके मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता है ना, और कोई भी कलाकार हो, हाँ, सतीश भैया कोई भी कलाकार हो सीधा पहुंच जाता है माता भगवती के दरबार में। एक निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहता हूं, यदि हम दोनों कलाकारों के कोई भी बात आप लोगों को अच्छी लग जाए तो तालियों के माध्यम से आप लोग उत्साहवर्धन जरूर करें। जय जय, क्योंकि आपकी तालियां बताएंगी कि हम दोनों कलाकारों को आप किस तरीके से सुनना चाहते हैं। आखिर माँ होती कैसी है? कैसी? अरे पिला कर दूध सीने का, का माँ भूख देती है। लगे जब चोट बचपन में माँ मुँह से फूंक देती है। लगे जब चोट बचपन में, हाँ, माँ मुँह से फूंक देती है, पिलाकर दूध सीने का मिटा माँ भूख देती है, बड़े होकर न दुख देना कभी माता को ऐ यारो, क्योंकि देख खुश अपने लालन को माँ गुस्सा थूक देती है। और जब माँ का हृदय ऐसा होता है, हाँ, तो माता रानी के दरबार में चल रहा हूँ चंद सुमन लेकर, चूंकि ना मेरे पास धूप है ना अगरबत्ती है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो एक कलाकार माँ की वंदना कैसे कर सकता है संजय भाई? कैसे? पंक्तियों को सुनिएगा। अरे सबूतों की माला में, ये कैसे कैसे सबूतों की माला में
शब्दों की माला में है भावों के मोती। ऐ माँ माँ शब्दों की माला में है भावों के मोती। शब्दों की माला है और भाव रूपी मोती है तो अरे स्वीकार कर ले माँ, स्वीकार कर ले माँ, करना मनाना स्वीकार कर लो माँ, करना मनाना। क्यों क्यों नहीं आता मैया मुझे तुमको मना, आखिर आपकी वंदना करूं कैसे कैसे। स्वीकार लो माँ, स्वीकार लो माँ, करना मनाना नहीं आता मैया मुझे तुमको बड़े भैया जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बड़े भैया सतीश सवरिया जी जो अपने आप में एक कलम के जादूगर हैं और आज मुझे भी उनकी सेवा का अवसर प्रदान हुआ है, तो आपके कर कमलों द्वारा ये एक से एक पद मुद्राएं हैं। माँ भगवती हमेशा अनुसंग रहे, भंडारे भरे रखें और मैं आजीवन आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम बच्चों पर आजीवन आपका आशीर्वाद कर रहे हैं। और ये क्या बात है, नवयुवक समाज सेवा समिति बसाते रहा आपके कर्मों द्वारा पूरी समिति की ओर से ये एक से एक पद मुद्राएं हैं। बाबा कल्याण करें, आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं कि आजीवन हम बच्चों पर आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। भावों की माला में, शब्दों की माला में है भावों के मोती। ऐ माँ माँ शब्दों की माला में है भावों के मोती। स्वीकार कर लो माँ, स्वीकार कर लो माँ, करना मनाना क्यों क्यों स्वीकार कर लो माँ, करना मनाना स्वीकार कर लो माँ, करना मनाना और नहीं आता मैया मुझे तुमको मनाना। क्या बात है, पूजा कर रहा हूँ लेकिन लेकिन रहा हूँ क्या क्या नहीं वेद कीर्ति जी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। तमाम प्रकार के कलाकार बंधन गीत अलग अलग प्रकार से गाते हैं, ये आपके भाई रामशंकर की सोच है। सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ पंक्तियों के माध्यम से। नहीं नैवेद्य कोई नहीं, विधि विधान है, चढ़ाऊ मैं क्या कैसे, चढ़ाऊ मैं क्या कैसे, न कोई प्राविधान है, आखिर तुम्हारी पूजा में अर्पित क्या करूं, क्या चढ़ाऊ मैं क्या कैसे, न कोई प्रविधान है तो फिर भी हुसुत तेरा माँ।
जगत जननी माता फिर भी हूँ सुत तेरा, जगत जननी माता तो सजाना स्वरूप ओ मैया, सजाना स्वरूप ओ पर देना ना सजाना, सजाना स्वरूप ओ पर देना सजाना, मैया तो मैया मुझे तुमको खिलते न देखा, बिना स्नेह दीपक को जलते न देखा, बिना पापियों के रही भूम प्यासी और बिना माँ के जीवन संवरते न देखा। स्वीकार कर लो माँ, स्वीकार कर लो माँ, करना मनाना आत मैया मुझे तुमको क्योंकि कोई भी कमेटी हो अगर कार्यक्रम कराती है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, एक एक पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तब इस तरह का भव्य कार्यक्रम सफल हो पाता है। तो कहना है कि समिति संजोए चाहे संजोए माँ चाहे जितनी दौलत, चाहे जितना चंदा ले लिया जाए, चाहे जितनी ताकत लगा दिया जाए, कार्यक्रम ऐसे सफल हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि समिति संजोए माँ चाहे जितनी दौलत, सफलता मिलेगी ना तेरी बदौलत, सफलता मिले तेरी बदौलत, सफलता मिलेगी ना तेरी बदौलत। तो कहना हुआ क्या क्या कि श्रम व्यर्थ सारा सब का होगा, चाहे मैं चाहे समिति के लोग, तो श्रम व्यर्थ सारा माँ हम सब का होगा, तो सफल परिश्रम को माँ, सफल परिश्रम को माँ सफल दम बनाना आना पड़ेगा। क्या क्यों नहीं आता मैया मुझे रामलाल जी जो कोरोना से बता रहे हैं, आपके कर्मों द्वारा है, माता भगवती हमेशा अंग संग रहे और हम बच्चों पर आजीवन आशीर्वाद बना रहे, हिम्मा बाबा की कृपा आजीवन आप पर बनी रहे, ये कामना करता हूँ। तो सफल परिश्रम को मां, सफल परिश्रम को मां, सफल
फलतम बनाना, फल परिश्रम बोमा सफलतम बनाना, ही आता भैया मुझे तुमको मनाना, ही आता भैया मुझको तुमको मनाना, ही आता भैया मुझको तुमको मनाना। आखिरी और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ इस वंदन गीत की। धन्य भैया कह रहा हूं कि मां हो संगीत सरे गम करके भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है। मिटा दे मन सामा, मिटा दे मन का कोई मैना हो। कहना है क्या? क्या अगर तू ना आई बसहा चौराहा मुरैता मोड़ मोरा उन्नाव जिसके प्रोपेटर हैं बड़े भैया श्री लल्ली गुप्ता जी। आप देखकर कमलों धारा ये इक्यावन पद मुद्राएं हैं। माता भगवती हमेशा आपके अंग संग रहे, मंडारे भरे रखे और बच्चों पर आजीवन आपका आशीर्वाद बना रहे। अगर तू न आई माँ, अगर तू न आई माँ मेरी वंदना में, अगर तू न आई माँ मेरी वंदना में, तो बेकार शंकर का गाना बनाना। अगर तू न आई माँ मेरी वंदना में, बेकार शंकर का गाना बनाना, नहीं आता भैया मुझे तो चलो। कीर्ति जी आपकी सेवा में पहला गीत दे रहा हूं। और जिस भैया सुने आप शायद आपको अच्छा लगे। एक गीत बजा कौन सा? अरे सारा सारा दिन तेरी Oh, my God.
शक्तियों को। हो तूने, हो तूने, हो तूने ऐसी लगन लगाई, और हो तूने, हो तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तुमने दिल से जो तुमने मुझको बुलाया तो मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया। ओ हो तुमने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया। ये तो थी फिल्मी धुन, क्योंकि भीमा बाबा का दरबार है, भीमा बाबा का दरबार है, तो चाहता हूं कि प्रथम गीत जो है बाबा भीमा बाबा के दरबार में हो जाए, हो जाए, क्योंकि 15 साल से लगातार ये कार्यक्रम अनवरत चला आ रहा है, हर साल होता है कार्यक्रम, और सभी कलाकार अपने अपने तरीके से गीत भी सुनाते हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच है संजय भाई, सुनिएगा। चूंकि जब कार्यक्रम होना था तो बीच में एक बैठक हुई थी, बैठक सबसे पहले जितने भी समिति के हमारे पदाधिकारी लोग हैं सभी लोगों से तरवत निवेदन है कि आप लोग पहले सुनिएगा मेरी बात को, मैं कहना कह रहा हूं। जब कार्यक्रम होना था तो सबसे पहले एक बैठक बुलाई गई, और जब बैठक बुलाई गई तो उसमें ये चीज पारित हुआ कि नहीं फला तारीख को कार्यक्रम होना है, यानी 9 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है। जब ये बात हुई तो वहीं से मेरे मन में एक विचार आया, संजय भैया गीत सुनिए। अरे हुई समीक्षा, क्या बात है, संजय भैया जब समीक्षा हुई तो हुई समीक्षा जब बैठक में तो शुरू हुई है प्रतीक्षा, जब समिति में समीक्षा हुई कि बैठक हुई कि 9 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है, होना है, तो सारे लोग प्रतीक्षा करने लगे कि आखिर कितनी जल्दी 9 अक्टूबर आए और बाबा के दरबार में कार्यक्रम हो। हुई समीक्षा जब बैठक में तो शुरू हुई है प्रतीक्षा, और जब ऐसा भाव भीमा बाबा ने जाना जाना कि मेरे बच्चों के अंदर ऐसा भाव है कि कार्यक्रम हो, तो भाव देख भीमा बाबा ने, भाव देख भीमा बाबा ने कर दी पूरे है इच्छा, जय जय, इच्छा पूरी कर दी, चलो ठीक हो जाएगा कार्यक्रम। जब ऐसा हुआ तो नवयुवक समिति ने हो
बाबा को मन से मनाया तो नो युवक समिति ने मन से मनाया द्वार बाबा का ऐसा सजाया द्वार बाबा का ऐसा सजाया तुम्हें भागा चला आया मैं दौड़ा चला आया हूँ ऐसे नहीं कि भीमा बाबा ने मुझको बुलाया कारण ये है क्या इस मंच पर गाने के लिए अच्छे अच्छे कलाकार लाइन में लगे सबका नसीब नहीं है ना ना इस मंच को पा जाए मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये बाबा के चरणों का प्रताप है जो उस फर्श से अर्श पर खड़ा कर दिया है इसलिए कह रहा हूँ क्या क्या कि भीमा बाबा ने मुझको बुलाया भीमा बाबा ने मुझको बुलाया मैं भागा चलाया मैं दौड़ा चलाया कीर्ति जी गीत में कुछ नहीं है केवल बाबा के चरणों का गुणानुवाद कर रहा हूं और बाबा ने क्या किया वो बता रहा हूं आखिर हमारे भीमा बाबा थे कैसे कैसे पंक्तियों के माध्यम से क्योंकि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं अधिकतर सारे लोग घटनाएं जानते हैं बाबा कैसे थे तो बस बाबा की महिमा गा रहा हूँ प्रथम चक्र में ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं हम ना प्यारा क्या बजते है बेटा आखिर क्यों क्यों आखिर क्यों बाबा की महिमा इतनी महान है आखिर क्या बात थी हमारे भीमा बाबा में जो आज यहाँ कीर्तन हो रहा है खासियत बता रहा हूँ क्या क्या कि धन ना प्यारा हा बाबा को न पैसा सभी से लेते बाबा को धन प्यारा नहीं था ना और वो सब लोगों से पैसा भी नहीं लेते थे नहीं वो पैसा उसी से लेते थे जिससे मांगते थे तो धन ना प्यारा था बाबा को न पैसा सभी से लेते मांगते पैसा जिससे बाबा मांगते पैसा जिससे बाबा बस पैसा उसी से ले ले इतना बाबा जिससे पैसा मांगते थे बस पैसा उसी से लेते थे और किसी से पैसा नहीं लेते थे तो जब ऐसा हुआ तो अरे सत्य भैया और एक बात बता रहा हूं जो जिससे पैसा भीमा बाबा मांगते थे उसी से केवल पैसा लेते थे अगर कोई बगल से जा रहा है और देने लगे कि बाबा ये मेरा भी प्रसाद लेके ना उसका पैसा स्वीकार नहीं करते थे और यदि किसी ने उनको जरूरत 10 रुपए की है और किसी ने 100 रुपए दे दिए तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते थे तो करते क्या थे क्या कि पैसा अधिक दिया तो जलाया खासियत थी भीमा बाबा की कि पैसा अधिक दिया तो जलाया न मोह मन में कभी भी इनके आया ये माया प्रभु की जो मैं जान पाया तो माया जो मैं प्रभु की जान पाया ये मैं भागा चला आया
बाबा की और क्या किया करते थे हमारे भीमा बाबा। एक बोरे को भीमा बाबा एक बोरे को बना कर इस तरह एक बोरा फटा पुराना लिए रहते थे तो एक बोरे को बना के बीसी तरे शिव भजन किया करते थे। एक बोरे को बिस्तर बनाया और शिव भजन किया करते थे और अरे पात बना तम बाकुटी उनके पास कोई बर्तन नहीं था उनके पास तंबाकू का एक डिब्बा लिए रहते थे और उस डिब्बे में पात्र बना तम बाकुटी जिसमें चाय पिया करते थे। तंबाकू के डिब्बा में पानी उसी डिब्बे में वो चाय पिया करते थे। ऐसे थे हमारे भीमा बाबा। पात्र बनातम बाकुटी का चाय पिया करते थे। और बाबा के पास एक त्रिशूल भी था तो कह रहा हुआ क्या शिव जैसा था दो है दिखाया ये। बाबा ने शिव के जैसा था दो है दिखाया त्रिशूल लेकर बाबा ने है घुमाया। त्रिशूल को घुमाया करते थे चारों तरफ तो जानी बाबा की जब ऐसी माया जानी बाबा की जब ऐसी माया तो मैं भागा चलाया मैं दौड़ा चलाया। संजय भैया आखिरी और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं बाबा के चरणों में आप श्रवण करें। और खासियत थी हमारे भीमा बाबा की और देते दुआ जो दुआ देते थे वो भी दुआ बन जाती थी। वो करते हरण दुख सबके बाबा करते हरण सबके दुख बाबा विपदा पास ना प्रणाम है गुरुदेव। करते हरण दुख सबके बाबा विपदा पास ना दी। और एक बात और थी क्या संजय भैया एक बार उनके पैर में घाव हो गया था उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए तो वहां के लोगों ने कहा बाबा चलो तुम्हारा इलाज करा दें कम से कम कीड़े तो निकल जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। तो देखिए बाबा ने कितना गंभीर उत्तर दिया क्या क्या कि दर्द असहनीय हो सहलू मैं तनता जान जाए जाने दो। बाबा ने कहा जो
असहनी दर्द है, आपको सह लूंगा, अगर मेरी जान जाती हो तो जाए, खाने देना। अरे जान जाए जाने दो, क्यों क्यों कि हक है घाव पर, हक है घाव पर इन कीड़ों का, हक है घाव पर इन कीड़ों का, खाते हैं तो खाने दो, खाते हैं तो खाने दो, हाँ। मेरे शरीर पर इन कीड़ों का अधिकार है, हाँ। जय जय। अरे हक है घावों पर इन कीड़ों का, खाते हैं तो खाने दो, मरहम बाबा ने कभी ना लगाया, जिम्मा बाबा ने, हाँ, उस घाव में अवसर में पाया, तुम्हें भागा चलाया, तुम्हें दौड़ा चलाया, मुझको बुलाया, फोन संजय भैया ने हमको जब मिलाया, तुम्हें भागा चलाया, मैं दौड़ा चलाया, हमारे मस्जिद में जितने लोग उपस्थित हैं।